मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। पृथ्वी का अंत, कई बार इसके कयास लगे, कई बार लोगों ने तारीखें भी दी, लेकिन महज पौराणिक कथाओं के आधार पर। लेकिन क्या वाकई में पृथ्वी का अंत नजदीक है? नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि 2 साल पहले धरती के पास से गुजरा एक क्षुद्र ग्रह फिर से धरती की ओर बढ़ रहा है। ये क्षुद्र ग्रह है तो महज 100 फीट के व्यास का ही, पर अगर धरती से टकराएगा तो धरती पर तबाही आ जाएगी। इस क्षुद्र ग्रह का नाम है TX68, जो 100 फीट के व्यास का है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि हिरोशिमा में हुए परमाणु धमाके से कई गुना अधिक तबाही मचा सकता है। खास बात तो ये है कि ये क्षुद्र ग्रह तेजी से धरती की ओर ही बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये धरती के पास से होकर गुजर जाए और धरती की कक्षा में प्रवेश ना करे। नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि TX68 हर 2 साल में सूर्य का एक चक्र पूरा करता है, पर ये हर बार पिछली बार की तुलना में धरती के करीब आ जाता है। ऐसे में अगले सप्ताह जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो तबाही मचने के आसार कहीं अधिक है। वैसे नासा का दावा यह भी है कि अगर ये क्षुद्र ग्रह इस बार धरती के पास से नहीं गुजरा तो 28 सितंबर 2017 को ये फिर से धरती की कक्षा की ओर तेजी से बढ़ेगा। ये क्षुद्र ग्रह जब पिछली बार पृथ्वी के पास से गुजरा था तो इसकी अधिकतम दूरी 1.3 मिलियन मील थी, लेकिन इस बार जब ये धरती की कक्षा की तरफ आएगा तो इसकी दूरी बेहद कम, केवल 11,000 मील की हो सकती है, जिसमें उसके भटककर पृथ्वी की कक्षा में आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो क्या पृथ्वी का अंत नजदीक है? अगर इस बार नहीं तो क्या 28 सितंबर 2017 को ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा? वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।